उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में एक आशा की ट्रेन से कटकर हुई मौत। बताया जा रहा है कि एक अखबार की ओर से जॉनसन बेबी प्रोडक्ट का कार्यक्रम था, उसमें जनपद भर की आशाओं को मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से मैसेज किया गया था कि सभी आशाएं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। तभी इंदेश नामक महिला आशा, जो धनपुरा CHC पर तैनात थी, वह जल्दी जल्दी के चक्कर में रेलवे ट्रैक को पैदल पार करने लगी। तभी तेज गति से आ रही ट्रेन ने टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही आशाओं को जानकारी मिली तो वे लाव लश्कर के साथ पोस्टमार्टम गृह में पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग करने लगी और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इंद्रेश को न्याय नहीं मिला तो वह कलम बंद हड़ताल करेंगी, साथ ही धनपुरा CHC पर मृतक का शव लेकर धरना देंगी। देखिए यह खास रिपोर्ट इरफान अब्बासी के साथ। हमारे उस पर ग्रुप पे डाला हुआ था मेरी BCPM मैम ने कि आज तुम्हारी हेल्थ, उसके बच्चे की HELC की ट्रेनिंग के बारे में कोई खास मीटिंग रखी जा रही है। जो ये नहीं बताया था किस चीज़ की मीटिंग है, बच्चे के बारे में ही मीटिंग है। जब हमने आके यहाँ पर देखा तो बेबी जॉनसन तेल के क्रीम के प्रोडक्ट की प्राइवेट कंपनी का हमें प्रोग्राम की ट्रेनिंग प्रचार दिया जा रहा था। उसमें हमारे SCMO सर आए थे और पवन सर, ऐसा ही डॉक्टर पवन सर नाम है उनका, वो आए थे। उनको सब चीज पता थी, हमारी दीदी एक्सपायर हो चुकी है, फिर भी हमें उस मीटिंग में नहीं बताया गया। हमारी एक आशा दीदी यहाँ जिले से गई, उसने जाके खबर दिया तो उनको सब चीज पता चली। हम सारी आशाएं उपस्थित है, फिर भी ना कोई जिले से, ना कोई अपने कार्यालय से, कहीं स्वास्थ्य विभाग से कोई भी अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है। और हम सभी आशाएं दीदियाँ यहाँ है, जब तक हमारी आशा बहन को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम कोई कार्य नहीं करेंगे। हम सभी आशाओं को यही है, हमारी आशा बहन को न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले। इंद्रेश दीदी जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये आज सब आशाएं आप यहाँ क्यों इकट्ठा हुई हैं, क्या मामला है? लेकिन DM सर को यहाँ उपस्थित होना ही होगा, हम तभी यहाँ से हिलेंगे क्योंकि हमारी होगा। DM कोई भी उपस्थित नहीं हुए, नहीं हम कोई काम नहीं करें। आज हमारी आशा बहन के साथ हुआ है, कल ये हादसा हमारे साथ भी होगा तब भी यही होगा, इसलिए हमको हमारी आशा बहन के लिए न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। आशा की मौत हुई है, क्या कारण रहा, कैसे मौत हुई है और आप लोग एकत्रित हुई हैं, क्या चाहती हैं, क्या मांग है आपकी? सर, आशा महिला, मैं गांव से, शहर से आशा हूँ, कमलेश भजन मेरा नाम है। और CMO ने, MOIC ने ऐसी जल्दबाजी में कल ऐसा ग्रुप डाला कि आपको अर्जेंट मीटिंग करनी है, अगर आप मीटिंग नहीं ज्वाइन करोगी तो आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी, आपको वेतन नहीं मिलेगा। बहुत सारी आशा ऐसी होती बेचारी सारी आशा उलायत में जल्दी में अपने बच्चों को खेतों पर, जो बता रहे हैं सब घर वाले, खेतों पर बाजरा काटती हुई छोड़ के आई छोटे छोटे बच्चों को, और तुरंत उसने क्रॉस पास किया ट्रेन से, उसने जल्दी में सोचा मैं पुल पर जाऊंगी, देर लगेगी, उम्र ताल्लुक आशा थी बेचारी, उधर से उसने सिंगल आया और आशा की तुरंत मौत हो गई बेचारी की। समय से वहाँ पता पड़ी कि जिले पे एक आशा खत्म हो चुकी है, डेड बॉडी आई, मैं यहाँ डिलीवरी कराने आई थी, मुझे पता पड़ी एक आशा खत्म हो गई है, तो मैंने तुरंत जाके मीटिंग में 1:30 बजे जाके सब अधिकारियों के सामने कुछ चिल्लाया, कुछ बोला, किसी ने सर ये नहीं सुना अधिकारी ने, कि चुप 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 करते रहे सब अधिकारी, शांत हो जाओ, थोड़ी देर मीटिंग और हो जाएंगे, तो फिर भी हमने कहीं देखो उस आशा की मौत हो गई, तो आज कोई नहीं सुनने, अभी कोई अधिकारी, अभी डॉक्टर मरी थी तो 8 दिन हॉस्पिटल बंद कर दिया गया, इधर कोई अगर एक मेडिकल से बच्चा खत्म हुआ आशा को नींद भी बताते अभी हैं। अपने पीछे, अभी अपने पीछे इन कितने बच्चे थे, इनके पति क्या करते हैं? उसका पति एक कारखाने में काम करता है, बेचारा मानसिक रूप से बीमार है, और बहुत सारी आशाएं कष्ट झेलती आ रही है। आज भी वहाँ सारे अधिकारी मौजूद थे, मौजूद करने वाले हमसे कह रहे बेटा अभी चलना है आपके साथ में। हम कहाँ की रहने वाली थी ये आशा? मुबारकपुर गाँव का। उनके पति विकलांग बता रही हैं आशा बहने सब। दूसरी बात, डॉक्टर LK गुप्ता ने मीटिंग जाके बंद कराई और उन्होंने हमारी आशा को सहयोग दिया और संतुष्ट हो आशाओं की। मेरी एक बहन आज मीटिंग में आई थी जो बेबी जॉनसन, क्या नाम था उनका? इंद्रेश नाम था। कहाँ पर तैनात थी? धनपुरा PHC से थी और
क्या हुआ इनके साथ? उनके एक्सीडेंट हुआ है। किस तरह से एक्सीडेंट हुआ? मीटिंग में आ रही थी और ये तो नहीं बता टेंट के नीचे से कैसे निकल रही थी, टेंट से एक्सीडेंट हुआ है। क्या मामला हुआ है? मनीषा यादव प्रदेश अध्यक्ष। मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ है कि बेबी जॉनसन अमर उजाला से एक फैक्ट्री का प्रचार हुआ था, उसमें हम सारी बहने बुलाए गए कि यहाँ पर कोई मीटिंग रखी गई है, बीसीपीएम ने और सीओ सर से सब डाला था कि संदेश दिया कि आशा सब बहने मीटिंग में जाए। तो मेरी एक आशा बहन आ रही थी तो उसको रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। क्या मांगे हैं यहाँ? ये इसके बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। जो हम सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी भी बेटियां हैं, दो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। उसका जो बीमा है वो बीमा का मिलना चाहिए। पति क्या करते हैं उनके? उनके पति बेकार है, वो काम करने लायक नहीं है, कोई नहीं है, उसकी घर की कंडीशन खराब है। पतियों के यहाँ सीमो सर आए और हमारे उसके पीएससी के आए जो धनपुरा ब्लॉक के आके यहाँ देखे और उनको न्याय दे। अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, नहीं आया तो ये अधिकारी नहीं, इसीलिए रूस इसीलिए आप में गुस्सा है। सर गुस्सा है हमें कि हम आशा बहनों को 24 घंटे 72 घंटे काम थमाया जाता है। जब आशा बहनों पे कोई विपत्त आपत्ति आती है तब चुपचाप हो जाते हैं, किनारे पे कोई है नहीं है। हम आज 24 घंटे हो जाए पर हम यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा। अगर अगर न्याय नहीं मिलता है आपकी बहन को तो फिर अगला कदम क्या होगा आप सभी का? हम अगला कदम हम कोई काम नहीं करेंगे। हम सारी आशा बहनें धरने पर बैठ जाएंगी। न्याय नहीं।